नमस्कार, इंडियन पॉपुलर कोड में आप सभी का स्वागत है। और ताज़ा खबर ये है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल भारत से अपना ऑपरेशन, अपना बिजनेस बंद कर रही है। और अगली खबर उसमें ये जुड़ के आ रही कि हार्ले डेविडसन अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हीरो के थ्रू करेगी। और हार्ले के भारत से बिजनेस बंद करने की कहानी है ग्रेट अमेरिकन ड्रीम के बिजार इंडियन मिडिल क्लास से पिट जाने की, यानी हार्ले डेविडसन के रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट से पिट जाने की। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, और हीरो होंडा की तरह क्या हम हीरो हार्ले देखेंगे, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि हार्ले डेविडसन के फ्लॉप होने की कहानी क्या है और क्यों आपको पता होनी चाहिए। तो उससे पहले अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हार्ले डेविडसन कहना चाहिए कि अमेरिकन्स का एक ड्रीम, जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम मोटरसाइकिल कही जाती है, अमेरिका की पहचान कही जाती है, और हमारे लिए वो वेट ड्रीम है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हार्ले डेविडसन जब भारत में आई, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, तो लगा कि बाइक्स बिकेंगी और कुछ होगा, बुलेट की जो हायर एंड सेल है वो कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और धीरे धीरे हार्ले डेविडसन ने 10 साल में 30,000 गाड़ियाँ भी नहीं बेच पाई। और आखिरी साल में 2019 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें उन्होंने सिर्फ 2,500 गाड़ियाँ भी नहीं बेच पाई पूरे भारत में, 125 करोड़ के देश में। और ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले हार्ले डेविडसन की उन कमियों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान के लायक नहीं है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है उसका बेल्ट, कैसे बनी है वो गाड़ी। वो गाड़ी भारत के लिए नहीं है बहुत कंफर्टेबल, वो शायद अमेरिका के हाईवेज के लिए ही। और ये बात मैं सिर्फ एजम्पशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, कीमत सेकंड ऑप्शन है। लोग कहेंगे कि कीमत सबसे बड़ा कारण नहीं है, कीमत दूसरा सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण उसका बेल्ट है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है हार्ले डेविडसन के साथ, एक तो उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, मतलब ज़मीन से बहुत नीचा है उसका इंजन। और अगर आप भारत की सड़कों को देखें, गड्ढे हैं, ब्रेकर है और ट्रैफिक है और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उस पर अगर आप चलाएंगे गाड़ी तो जाहिर सी बात है वो इंजन टच होता है, और ये बड़ी समस्या है ग्राउंड क्लियरेंस कम होना। वो अमेरिका में बिल्कुल चलता है, वहाँ पर वो बॉबर्स और चॉपर्स बनाते हैं जिसमें सस्पेंशन तक नहीं लगाते हैं। भारत में हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना सस्पेंशन की गाड़ी में 1,000 किलोमीटर जाना, आदमी बेड रिडन हो जाएगा, पीठ टूट जाएगी। तो पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या हार्ले के साथ ये थी, जो भी उनके इंजन है, स्ट्रीट रॉड वगैरह जो भी गाड़ियाँ, 750 cc का इंजन है और वो बहुत गर्मी पैदा करता है। गर्मी से बचने के लिए हार्ले ने क्या किया, इंजन के आगे फ़ैन लगे हुए हैं, वो फ़ैन गर्मी को पीछे की तरफ फेंकते हैं। अब अगर आप लंबे हाईवे पे जाइए, मान लीजिए आप एक्सप्रेसवे नोएडा से और लखनऊ का पकड़ लीजिए और उस पे जाइए, और पंखा हवा फेंक रहा है, 100 के ऊपर आप चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जब आप स्ट्रीट ट्रैफिक में फंसेंगे, शहर के जाम में फंसेंगे, तो वो जो इंजन की गर्म हवा है वो आपके ऊपर आएगी, ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाता है बाइक को किसी भी ट्रैफिक में चलाने के लिए। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर आप लंबे टूर पे भी जाएंगे, पहली चीज़ तो भारत में बाइकिंग का सीज़न साल में 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं होता, 4 महीने बहुत अगर आपने कर लिया तो 5 महीने, बाकी साल आप बाइक पे यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो एक लिमिटेशन है। चाहे आप किसी भी हिस्से में जाएँ दिक्कत होती है, तो ऐसे में वो इंजन के लिए फिर आप रिफ्लेक्टर लगवाइए और क्या कहते हैं हीट शील्ड लगवाइए, दुनिया भर का तमाशा उसमें करिए। 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद अगर आपको ये बेसिक चीज़ें करनी पड़े तो दिक्कत है। अब दूसरी बात आते हैं कीमत पे, कीमत अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कीमत अगर हम कहें तो भारत सुपर बाइक्स का क्रेज़ है धूम के बाद खास तौर पे, और लोग निंजा और दुनिया भर की बाइक्स खरीदते हैं। लेकिन हार्ले के साथ दिक्कत ये है कि हार्ले में एक तो उतने फीचर नहीं है। दुनिया में अगर हम 3 तरह के ऑटोमोबाइल्स कह सकते हैं, एक जापानीज, एक यूरोपियन और एक अमेरिकन, और जो बड़े सेगमेंट में अगर हम इसको बांटें तो जापानीज सबसे अच्छे हैं, चाहे आप होंडा को ले लीजिए, चाहे आप कावासाकी ले लीजिए। जापानीज से मेरा मतलब है साउथ ईस्ट एशियन रीजन की गाड़ी, चाहे कोरियन ले लीजिए, कोई भी गाड़ी उस रीजन की गाड़ी, और टेक्नोलॉजी वाइज सबसे अच्छी हैं, सबसे एडवांस हैं। सुजुकी हो, जैसे आप हायाबुसा का नाम लेते हैं, या क्या कहते हैं कार्स में टोयोटा का नाम लेते हैं, वो गाड़ियाँ रिलायबल हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन गाड़ियाँ हैं, MG हेक्टर हो या क्या कहते हैं मर्सिडीज़ हो, वो एक लग्जरी सेगमेंट है, फरारी हो। और तीसरा
अमेरिकन गाड़ियाँ, अमेरिकन गाड़ियों की तारीफ चाहे जितनी अमेरिका करे, वो सबसे ख़राब सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, सबसे ज़्यादा तेल पीती हैं, सबसे बड़ा साइज़ होती है, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, चाहे वो फोर्ड हो चाहे वो हार्ले डेविडसन हो। आपको 6-7 लाख की बाइक में भी फ्यूल मीटर प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपको दुनिया भर के सेंसर जो उससे कम रेंज की गाड़ियों में आते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो हार्ले के साथ ये दिक्कत कीमत के मामले में इस तरह से थी। और दूसरी चीज़ थी हार्ले डेविडसन की आफ्टर सेल्स सर्विस। हार्ले डेविडसन अगर आपने खरीदी है और पहली उसकी सर्विस कराने जाएंगे तो उसकी कीमत पड़ती है 10,000 रुपये के करीब, और 6 लाख रुपए की आपने एक एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल खरीदी, वो सबसे अच्छी हार्ले डेविडसन नहीं है, सबसे सस्ती हार्ले डेविडसन है। 6 लाख रुपए की आपने एक गाड़ी खरीदी, उस पर 10,000 रुपए की सर्विस कराएंगे, इतने में एक एंट्री लेवल सेडान कार आ जाएगी ठीक ठाक। और जो सर्विस का चार्ज है इसमें तो आप फॉर्च्यूनर टोयोटा फॉर्च्यूनर की सर्विस करा लेंगे। तो जैपनीज और अमेरिकन का जो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ वो इसी तरह से। तो इस लिहाज से हार्ले डेविडसन सूटेबल नहीं रही भारत के लिए। अब बात करते हैं, ये तो थी हार्ले डेविडसन की कमियाँ, भारत में उनके साथ क्या गलत हो गया। भारत में उनके साथ गलत हो गया कि उनकी टक्कर हो गई रॉयल एनफील्ड के साथ। अब रॉयल एनफील्ड में वही कमियाँ हैं जो हार्ले डेविडसन में। अगर हम बहुत ही ब्रूटल होके कहें, मेरे पास रॉयल एनफील्ड है लेकिन मैं बहुत ब्रूटल होके कहूँ, तो रॉयल एनफील्ड हमेशा से भारतीयों के लिए हार्ले डेविडसन की फर्स्ट कॉपी रही है, और उसी तरह का आवाज़, उसी तरह की आयरन की बॉडी और उसी तरह का स्टांस, इजी राइडिंग, ओपन फेस हेलमेट, सब कुछ आप उसका वो सस्ता वर्जन है। लेकिन ये वर्जन अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल इस लिहाज से भारत की सड़कों पर सही से चलता है, सबसे अच्छी बात ये है। आप उसको कस्टमाइज़ करा लीजिए, जैसे अमेरिका में कहते हैं ना कि हर हार्ले डेविडसन अलग दिखती है, तो भारत में भी वो चलन है। और पहले जो मैंने सर्विस और इन सारी बातों की बात की, तो सर्विस और उसमें यही फ़र्क है कि लोग 3-2 लाख रुपए लगा कर उसको हार्ले जैसा दिखने में बना लेंगे। क्योंकि हार्ले डेविडसन, मैं अभी एक किसी से पता चला मुझे कि उसका एक पिन और एक बोल्ट का गायब हो गया था या खो गया था या उसमें कोई कमी आ गई थी हार्ले डेविडसन का, और कंपनी से वो बोल्ट और पिन 2,000 रुपये में आया, एक बोल्ट और एक पिन 2,000 रुपये में। तो भाई पैसा कितना भी हो लेकिन एक बोल्ट जब आप 1,500-2,000 रुपये में और एक पिन खरीदेंगे तो फिर दर्द तो होता है ना भाई, तो यही दर्द है। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, जो माचोइज्म का प्रतीक है अमेरिका के लिए, वो भारत के लिए हार्ले डेविडसन। और ऐसा नहीं कि हार्ले डेविडसन सिर्फ भारत से अपना बिजनेस समेट रही है, अमेरिका में भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इट्स अ डाइंग ब्रांड। वो नई कोशिशें कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने की, बाइसाइकिल लाने की और छोटी गाड़ियाँ लाने की, लेकिन हार्ले डेविडसन की जो एवरेज एज है वो बढ़ती जा रही है। जैसे एवरेज जो उसको चलाने वालों की उम्र 20 साल होती थी, 30 साल हुई, 40 साल हुई, 50 साल हुई, अब हम मान सकते हैं 60 के ऊपर के लोग हार्ले डेविडसन चलाते हैं, बुड्ढों की गाड़ी है अमेरिका में। और हार्ले डेविडसन रॉयल एनफील्ड का जो कंपैरिजन है वो बहुत मज़ेदार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने और उसने क्या कहते हैं हार्ले डेविडसन इस्तेमाल की युद्ध में, और वो लोग जब वापस आए तो उन्होंने उन्हीं गाड़ियों को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, बॉबर और कैफे रेसर और चॉपर और ये सब बना के, और उनको चलाना शुरू किया, और इस तरह से अमेरिका का एक वो प्राइड से जुड़ गया। वही चीज़ हमारे साथ रॉयल एनफील्ड के साथ भारत में। रॉयल एनफील्ड पुलिस की, आर्मी की, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बन गई, माचोइज्म का प्रतीक बन गई। चंबल जैसे इलाकों में दरोगा साहब जब गश्त में निकलते थे तो बुलेट से निकलते और उसकी धक 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 जो आवाज़ जाती थी, जैसे वो अपने V12 इंजन की आवाज़ लेके प्राउड करते, उस तरह की चीज़ों के चलते एक उसका अलग औरा बन गया रॉयल एनफील्ड का भारत में। रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन के साथ यही दिक्कत हो गई कि उन्होंने भारत में भारत के हिसाब से गाड़ियां नहीं बनाई, और यहाँ की समस्या ये रही है, हमारी खासियत ये रही है हिंदुस्तान की कि यहाँ पर जो आता है उसको यहाँ के रंग में रंगना पड़ता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। होंडा बहुत बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, लेकिन उसको भारत में जब आई तो वो पहले हीरो होंडा के तौर पे आई, और होंडा भी भारत में सिर्फ R1 और R3 लेके नहीं आई, वो एक्टिवा भी बनाती है और एक्टिवा से भी चलते हैं लोग, और एक्टिवा से होंडा की ज़्यादा बड़ी पहचान है आज की तारीख में भारत में। तो यही सारी बात है, अगर हार्ले डेविडसन भी हीरो हार्ले या बजाज हार्ले की तरह आती और एक 150-200 cc की या 250-300 cc तक की गाड़ी उतारती जिसकी कीमत 2-3 लाख रुपए के बीच में होती, और तो बुलेट इंटरसेप्टर, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर या हिमालयन खरीदने वाले लोग उस पर स्विच करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हार्ले डेविडसन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने वाली गाड़ी है, मतलब उनकी एक गाड़ी अगर 10,000 में समझ लीजिए उदाहरण के लिए बनती होगी तो उस पर 15-20,000 तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, जबकि
भारत में होता ही है कि 10,000 की गाड़ी है, आपने 12,000 में बेच दी और ऐसी 10 गाड़ियां बेच दी, तो आपने ज़्यादा पैसे कमा लिए, ज़्यादा नंबरों का बना ली। तो यही कुल मिला के समस्या है कि वो भारतीयकरण नहीं कर पाए हार्ले डेविडसन का, उन्होंने उसको अमेरिकन ड्रीम की तरह इंडिया में बेचने की कोशिश की, इसलिए नहीं बिकी। इसका करंट इकोनॉमी से उतना कोई रिलेशन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है और ऐसा पैंडेमिक की वजह से हुआ है, कोरोना की वजह से, ऐसा नहीं हुआ। हार्ले डेविडसन पहले ही एक डूबता हुआ ब्रांड था, कम से कम दुनिया के लिए, अमेरिका के बाहर तो वो एक डूबता हुआ ब्रांड है ही, भारत में ऐसा कुछ उनके पास था नहीं पिछले 10 सालों में, और ये दूसरी कंपनी अमेरिकन कंपनी बन गई है पिछले 10 सालों के अंदर जो भारत छोड़ के जा रही है। इससे पहले जनरल मोटर्स गई है, शेवरलेट की गाड़ियां अब आपको नहीं मिल रही हैं। तो इसी तरह से हार्ले डेविडसन के साथ भी हुआ, जिन लोगों ने हार्ले डेविडसन खरीदी है, पैसे लगाए हैं, उनके साथ सहानुभूति, और जिन्होंने हार्ले डेविडसन जैसी दिखने वाली रॉयल एनफील्ड को मॉडिफाई कराया है 2-3 लाख रुपए देकर, उनके साथ ज़्यादा सहानुभूति, क्योंकि मॉडिफिकेशन का इतना पैसा नहीं लगता है। हमने अभी एक गाड़ी मॉडिफाई की थी, हमने उसका वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और वो बेहद जितना पैसा मैं बता रहा हूँ 2.5-3 लाख, उसके 10% पैसे में हमने वो गाड़ी मॉडिफाई की है। ऑब्वियसली हमने उसको हार्ले जैसा देखने वैसा नहीं बनाया, अगर हम वैसा ही बनाते तो भी उसका खर्चा इतना नहीं आता, उसका आधे से भी कम, 1/3 या 1/4 खर्चे में वो गाड़ी बन जाती। और क्या अगर आपके पास पैसा है तो उसको मॉडिफिकेशन में लगाइए, जो लगाइए। अगर आप अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन जुड़ी हुई सलाह चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सलाह दे देंगे, और आप चाहेंगे तो हम आपकी मदद और तरीके से भी कर देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियन पब्लिक कोर्ट। नमस्कार, शुक्रिया।